ताली मारेंगे, आप बोलेंगे स्पीच भी दो। माय गॉड, डायलॉग दे दे तो कितने आसानी से पढ़ लेता हूं, भूल देता हूं। आप क्या, कोई कागज नहीं, कुछ नहीं, क्या बोलूंगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माय रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, माय रेस्पेक्टेड मिनिस्टर एंड ऑल द बेस्ट पीपुल, रेस्पेक्टेड पीपुल ऑन डायस, रेस्पेक्टेड पीपुल इन द ऑडियंस एंड माय कोलीग्स, बस इतना ही कहूंगा कि इस मंच पर मैं पहले 3 बार आ चुका हूं आप लोगों की दुआ से। लेकिन सबसे पहली बार जब मिला था नेशनल अवार्ड, उसके इतने किस्से हैं, कुछ किस्से मैंने बताए, कुछ किस्से मैंने बताए, तो मैंने सोचा ये दिस विल बी द फर्स्ट टाइम आई टेल यू दैट आफ्टर गेटिंग द फर्स्ट नेशनल अवार्ड व्हाट हैपेंड टू मी। वेल, आफ्टर गेटिंग द फर्स्ट नेशनल अवार्ड तो नेचुरली लोगों के कहने लगे कि ये वो माई गॉड, यू नो यू गॉट नेशनल अवार्ड। तो मेरा ब्रेन थोड़ा खराब होने लगा था थोड़ा थोड़ा कि कुछ बहुत कुछ बड़ा कुछ कर दिया हूं। एनीवेज, उस समय फिर कहा गया बॉम्बे लैब था तो वहां एक स्क्रीनिंग रखा गया कि जिसमें मैं गया, देखने के बाद अगर पसंद आए तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैं भी पहुंच गया, आई थॉट के आफ्टर सीइंग द फिल्म दे मे लाइक मी, दे मे टेक मी। आफ्टर सीइंग द फिल्म आई कांट टेक हिज नेम बिकॉज ही इज नो मोर, बिकॉज ही इज नो मोर आई एम सेइंग दिस, बिकॉज बिफोर दैट ही वाज अलाइव, इफ आई वुड हैव सेड तो यू वुड हैव अंडरस्टूड कि मेरे कोई बोल रहा है ये। तो इसीलिए आज तक बोला नहीं, पहली बार बोल रहा हूं कि स्वर्ग लोग चले गए हैं। तो आफ्टर फिनिशिंग द फिल्म बाहर आए तो आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग विथ हिम एंड आई आस्क्ड हिम, सर पिक्चर कैसी लगी? बोलते बेटा पिक्चर अच्छी लगी, तुम भी कमाल कैरेक्टर हो, लेकिन तुम कपड़े पहन के कैसे लगोगे? मैं एक मिनट के लिए चौंक गया कि मैं उनके सामने बगैर कपड़े के खड़ा हूं, क्यों सवाल किया? बाद में याद आया, हो मैंने जो रोल किया था वो एक आदिवासी का था जिसमें ऊपर मेरे कपड़े ही नहीं थे, तो इसीलिए सोच रहे थे कपड़े पहनने के बाद ये कैसा लगेगा, तभी इसको फिल्म में लूंगा। सेकेंड इंसिडेंट हुआ, ये नेशनल अवार्ड मिलने के बाद दिमाग तो खराब हो ही गया था, मैं अपने आप को अल पाचिनो सोचने लगा। रियली मैं सोचा था मैं कुछ कमाल कर दिया, तो मेरे सारे एटीट्यूड चेंज हो गए ना। मैं प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाके आगे ऐसे बैठता था, कभी कभी यूज करता था कि प्रोड्यूसर मुझे दिखता था क्यों कर रहा है ये सब, और उसको नहीं मालूम था कि मैं अल पाचिनो की तरह एक्टिंग कर रहा हूं। तो फिर थोड़ी देर के बाद मैं पूछता था कि एक काम करना, वो फिल्म की स्टोरी मेरे घर में भेज देना। फिर एक तीसरा प्रोड्यूसर को लगा ये कुछ जबरदस्त, मारा एक लात मुझे, बोलने निकल यहां से। उस दिन से मैं अल पाचिनो से अल पाचिनो हो गया। मैं समझ गया कि मुझसे गलती होगी, अब मेरे को कोई काम वाम नहीं देगा, क्योंकि द बिगेस्ट प्रॉब्लम मेरे साथ जो था, एक्टर तो सबने मान लिया था बिकॉज ऑफ माई कॉम्प्लेक्शन, क्योंकि लोग बोलता था अगर ये फिल्म इंडस्ट्री में ये काला रंग नहीं चलेगा तो तुम क्या कर रहे हो इधर, तुम वापस जाओ। तो मैं रास्ते में जाता था, ये कालिया जितने जितने हो सके, आप यू कैन अंडरस्टैंड, अपमान जितना हो सके। तो मैं सोचने लगा मैं करूं क्या, मैं भगवान से पूछता था कि भगवान कि मेरा ये रंग तू चेंज नहीं कर सकता, लेकिन नहीं चेंज कर सकता था भगवान। तो मैं सोचने लगा करूं क्या, तो मैंने सोचा तो मैं तो डांस कर सकता हूं, तो मैं डांस कर सकता हूं, तो मैं ऐसा डांस करूं मेरे पैरों से ताकि लोग मेरे पैरों को देखे, मेरे स्किन को ना देखे, मेरे कलर को ना देखे। और मानिए मैंने एग्जैक्टली वही किया, आप मेरी फिल्म देखिए, सब फिल्मों में पैरों से डांस किया,
पैर को थिरकने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया कहीं भी। और लोग मेरे रंग को भूल गए और मैं बन गया सेक्सी डस्की बंगाली बाबू। मैं बहुत शिकायत करता था भगवान से, बहुत, क्योंकि मैं माय लाइफ इज नॉट ए ऑन प्लेटर। जो कुछ भी मुझे मिला है स्ट्रगल करके मिला है, आई डिडंट गेट इट जस्ट लाइक दैट। तो मैं भगवान से कहता था, तूने नाम दिया, शोहरत दी, फिर इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है, हर चीज में क्यों तकलीफ। बहुत शिकायत करता था। तो एक दिन मैं ऐसे ही सोच रहा था कि शायद यही तरीका होगा, लेकिन नहीं, ऐसा तरीका नहीं था। आज ये अवार्ड मिलने के बाद मैं शिकायत करना छोड़ दिया। मैंने कहा थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू गुरु शिव, थैंक यू दानी बाबा, थैंक यू भद्र लोग। अरे कलकत्ता में निम्तला से एक पुराना सा मंदिर है, जहां एक 10 फीट ऊंचा एक शिवलिंग है, जहां सीढ़ियों से चढ़ते जाके पानी देना पड़ता है। मैं कितने साल मुझे याद नहीं, मैं उनकी सेवा किया, तो उनको मैंने कहा थैंक यू, अब मैं शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि आपने मुझे सूद के साथ सब कुछ वापस कर दिया है। मुझे मालूम है अगर ये मैं नहीं कहूंगा तो यहां जितने हैं, यहां जो सारे हैं ना बैठे हुए इधर, इन लोगों ने कहा कि दादा आपको जो कुछ भी कहे, लेकिन आपको ये कहना जरूरी है, ये जो यंग लड़के लोग आ रहे हैं फिल्म लाइन में, उनको आप क्या कहना चाहेंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे देश में बहुत से टैलेंट है, बहुत से टैलेंटेड लड़का लड़की, लेकिन पैसे नहीं है उनके पास, मेरी तरह दे डोंट हैव मनी। लेकिन मैं उनको कहूंगा हिम्मत नहीं हारना, पैसा नहीं भी हो हिम्मत नहीं हारना, और सपना जरूर देखना, सपना जरूर देखना, लेकिन इतना याद रखना खुद सो जाना, लेकिन सपनों को कभी सोने नहीं देना।